बांटने के लिए, बसपा को कमजोर करने के लिए। अरे भाई साहब, कौन सी बसपा की बात कर रहे हो आप मेरे से? बीजेपी ने तैयार नहीं, मुझे आप ये निकल पा रहे हैं आज बात, आज मुझे बतला। अरे भाई साहब, बहुजनों के नेता वो होता है जो वर्क करता है, ये नहीं कि आप। अरे पहले दलित प्रेरणा स्थल, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ये क्या सोच के केवल ये बनाने से कुछ नहीं होगा। देश वामसिप से निकले हुए लोग 40 साल में वामसिप पर एक कोचिंग सेंटर तक नहीं खुला, दो बच्चे पढ़ा लिखा के आईएएस पीसीएस नहीं बनाए गए, और आप टक्कर दे रहे हो बसपा को। आप प्रदेश में भी चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे, पूरे देश में लड़ेंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजन शब्द आते ही लोगों के जहन में चीज तुपता है, जब वो आ जाती है कि ये कहीं ना कहीं इस देश के SC ST OBC का कोई संगठन है। बहुजन मुखी पार्टी जो वामसेप ने बनाई, वामसेप नहीं पहले BSP बनाई, लेकिन जो वामसेप के और गुट हैं उन्होंने बहुजन मुखी पार्टी बनाई। बहुजन मुखी पार्टी को अभी लोग उतना नहीं जानते हैं जितना बसपा को जानते हैं या अन्य किसी राजनीतिक दल को जानते हैं। मेरे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारी हैं। क्या उपलब्धि है बहुजन समाज पार्टी से? आप खुश नहीं थे जो आपने एक और पराजनीतिक पार्टी बनाई? देखिए, बहुजन का मतलब ये नहीं होता है कि वो केवल दलित दलित है। बहुजन का मतलब है बहुसंख्यक जने, उसमें SC भी आता है, OBC भी आता है, माइनॉरिटीज़ भी आता है, ST भी आता है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को बतला देना चाहता हूँ, मैं राजुद्दीन गादरे बहुजन मुक्ति पार्टी से, हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं केवल बहुजन हिताय, बहुजन सुखाई की नीति पर। एकमात्र हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी है जो रात दिन काम कर रही है, और उसी बिहाब से हम लोग, चाहे वो सिख समाज से हों, चाहे मुस्लिम समाज से हों, चाहे OBC समाज से हो, चाहे SC समाज से हो, तो हम लोग सभी वर्गों का एक इकट्ठा करने का एक काम प्रयत्न है, जो आज की डेट में आपको देखने को और किसी पार्टी में नहीं मिलेगा। जी नहीं, मोदी जी भी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, OBC का राष्ट्र उपराष्ट्रपति बना रखा है, दलित समाज का, आदिवासी समाज का। आप जाति की बात करेंगे ना, तो फिर जाति के आधार पर सवाल भी पूछा जाएगा। अगर आप जाति के आधार से प्रतिनिधित्व कर रहे हो तो मोदी सरकार में क्या कमी है? आदिवासी उपराष्ट्रपति, OBC समाज का राष्ट्रपति, OBC समाज का प्रधानमंत्री, और क्या नाम, गृह मंत्री जो है वो अल्पसंख्यक जैन समाज से आते हैं, तो OBC समाज के 27 मिनिस्टर। आपसे ही सवाल कर देता हूं, मैं आपसे ही पूछ देना चाहता हूं, जो OBC समाज है, सबसे बड़ा हमारा समाज है यहां पर पूरे वर्ल्ड में, और पूरी हमारा जो देश है भारत, उसके सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला एक OBC पिछड़ा वर्ग समाज है, जिसे जो पहली वाली वर्ण व्यवस्था देखेंगे उसमें शूद्र कहा जाता है, और वो शूद्र कमेरा समाज होता है जो काम करके कमा करके खाता है। लेकिन आज के डेट में जिस OBC के ऊपर प्रधानमंत्री के नाम ले रहे हो, या एक वो मोदी जो भाग गया हमारे मनी लेकर के, हमारे पैसे लेकर के, हमारे देश के, जो उनसे मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर हो करके कहते थे कि मैं काला धन लाऊंगा, और एक मोदी हमारे देश से पैसा लेकर के भाग गया, कौन से मोदी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जो पैसा लेके चला गया वो तो सवर्ण था, है? वो तो OBC समाज ने उसमें कहा है कि भाई हमारे वाले OBC मोदी नहीं है। लेकिन आप जिस जाति के आधार पर कह रहे हो कि हम जाति के आधार पर लोगों का प्रतिनिधित्व तय करते हैं, तो मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि मोदी जी की सरकार में क्या कमी है? हम प्रतिनिधित्व तय नहीं कर रहे हैं, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान रचित किया, उसको बनाया, प्रारूप दिया, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी की बात की गई है, वो केवल इधर उधर की बातें नहीं की गई है, और वो हिस्सेदारी आज की डेट में किसी को नहीं मिल पा रही है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी कार्यरत है, और आगे के लिए आने वाले वक्त में केवल एकमात्र यही पार्टी है जो हिस्सेदारी की बात करके और सबको हिस्सेदारी देने वाली बात करेगी और काम भी करेगी। लोग कहते हैं आप वोट काटने के लिए, बसपा को कमजोर करने के लिए। अरे भाई साहब, कौन सी बसपा की बात कर रहे हो आप मेरे से? बीजेपी ने तैयार नहीं, मुझे आप ये बताइए कौन सी बसपा की बात कर रहे हो, जो उनसे हमारे देश का सारा सत्यानाश कर रही है, बहुजनों का सारा नाश कर रही है, आज जो बिल में घुस गई है, जो बोल नहीं रही है, हमारे दलित समाज को जो उनसे बतलाती थी, SC समाज, OBC समाज जिसकी बात करती थी, माइनॉरिटी जिस मुस्लिम के बात करती थी, आज उन लोगों की कहां आवाज उठा रही है, कौन से बिल में घुस करके वो बैठे हैं?
क्यों नहीं निकल पा रहे आज बाहर? आज मुझे बतला, अरे भाई साहब बहुजनों के नेता वो होता है जो वर्क करता है, ये नहीं कि आप, अरे पहले आपको जब भी कभी सरकार बनी है तो आपके सवर्ण के आधार पर बनी, और किसके आधार पर? मनुवादियों के आधार पर, उनके इशारों पर वो सरकार बनी है, ना कि आपके बहुजनों के लिए, और बहुजन के लिए कभी नहीं बनी ना उन्होंने काम किया है। ये दलित प्रेरणा स्थल, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ये क्या सोच के केवल ये बनाने से कुछ नहीं होगा। देश चलता है कार्यपालिका और न्यायपालिका से, ये व्यवस्था का काम करती है, और जब व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो आप सत्ता क्या लेकर के झुंझुना बजाओगे? आप ये कह रहे हो कि बनाने से कुछ नहीं होता, आपकी क्या उपलब्धि है? आप वामसेफ से निकले हुए लोग, 40 साल में वामसेफ पर एक कोचिंग सेंटर तक नहीं खुला, दो बच्चे पढ़ा लिखा के आईएएस पीसीएस नहीं बनाए गए, और आप टक्कर दे रहे हो बसपा को। आप बतला रहे हो कि वामसेफ ने कभी कुछ नहीं किया, ये एक विचारधारा है जिसकी वजह से जो आज भारतीय जनता पार्टी जिसको कह रहे हो वो हिली पड़ी है, उनके अंदर डर है, और जो अल्पसंख्यक लोग हैं 3% के लोग हैं उनके अंदर डर है, और वो डर की जो आधार पर हम लोगों के बीच में, बहुजनों के आधार पर, बहुजनों के बीच में वो डर आपस में लड़ा भिड़ा करके तैयार कर रही है। तो आप वही काम तो कर रहे हो। अरे भाई साहब हम डर निकाल रहे हैं, हम डर निकाल रहे हैं। अभी आपने देखा है ना जंतर मंतर पे एक अकेला राजुद्दीन गादरे और उसके साथ में जब बहुजन मीडिया आई और बहुजन समाज के लोग आए, केवल एक अकेला था, और जो बहुजनों की आज सर कलम करने की बात करता था, 10 करोड़ दे रहा था, उसका पिटारा 10 मिनट में बांध दिया था, समझे? वो वहां से छोड़ करके भागने पे मजबूर कर दिए थे। केवल आपको जब तक जागृत नहीं होगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, और जगा करके ही पूरी व्यवस्था परिवर्तन होगी, ना कि राजनीति से होगी, व्यवस्था परिवर्तन होगी विचारधारा से। आपने राजनीतिक पार्टी बना रखी है, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो आप उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे, पूरे देश में लड़ेंगे भाई साहब, पूरे देश में लड़ेंगे। लेकिन हमारे पीछे जो एक वर्ग था, जिस देश हमारे देश में बहुजनों को जो आज तक कामयाब नहीं होने दिया, जो एक गुट बना करके झूठे बैठ गए हैं, अरे भाई साहब कौन सी बसपा के लिए बात करें आप? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात करो। अरे बहन जी प्रधानमंत्री, अरे प्राइम मिनिस्टर, तुम घर में बैठ जाओगे? घर में बन जाओगे क्या बैठ करके, या बाहर निकलोगे सड़क पे काम करोगे? हम सड़क पे काम कर रहे हैं तो हमें निकलना चाहिए। आप लोग कहाँ, किसको जगा रहे हो? तो तुम जो अंदर बैठा उसकी बात कर रहे हो? आप प्रधानमंत्री बन जाओ। कौन प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेगा, हर एक कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, ये यही तो लोकतंत्र है। आप जैसे लोग चंद्र से, अरे देखिए भाई साहब नहीं, अरे देखिए, अरे भाई साहब जो उनसे आज देश बेच रहा है, आप उन लोगों का फेवर कर रहे हो, और उन लोगों का जो व्यापार चल रहा है आप लोग उनके लिए काम कर रहे हो क्या? वामसेफ जिस काम के लिए बनी थी, अरे भाई साहब जो वामसेफ अपनी विचारधारा का, जन जागृति का काम कर रही है, वो अपने मिशन पर काम कर रही है, हम लोग उनकी विचारधारा पर काम करते हैं, कि हमें उनकी विचारधारा अच्छी लगती है, तो इसीलिए बहुजन मुक्ति पार्टी उससे या किसी से कोई संबंध नहीं है, केवल एक विचारधारा हमें जो बहुजन, अरे भाई साहब जो 250 आदमी नहीं आते, किसके 250 आदमी नहीं आते? अरे भाई साहब हमारे पास में खुल के हम लोग दिखाई नहीं रहे अभी तक भी, कि हमारे पास में क्यों नहीं आ रहे, हम क्यों नहीं ला रहे जान के? ये हमारा एक नीति रणनीति का काम है, ये ऐसा नहीं कि दिखावे का काम है। आपकी हर बार कौन सी जमाने जब्त है, और जमाना जब्त वालों से ही तो वो डरे पड़े हैं। आज वो लोग पूरे चिल्ला करके पूरा खत्म कर दिया उन लोगों ने, और पूरे देश में वो लोग एक केवल बहुजन मुक्ति पार्टी से, वो बहुजन मुक्ति पार्टी से डरे पड़े हैं, वरना और किसी पार्टी में दम नहीं है। अच्छा एक बताइए, आप लास्ट सवाल कर लेते हैं आपसे, कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, आप खुद चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, यदि मौका मिलेगा और जमीन हमें तैयार दिखाई देगी, जैसे हम लोग अंदर विचारधारा पे काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल लड़ेंगे। और मेरठ जो है क्रांतिकारी भूमि है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो गादरे साहब मेरठ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, देखेंगे बहुजन मुक्ति पार्टी को कितना वोट मिलेगा। अरे मेरे भाई एक बात सुनिए, ये खाली, सुनिए एक मिनट, ये खाली ढकोसला नहीं है, ये मीडिया जो है ना ये केवल दिखावे का काम करती है, और ये उसका साथ देती है जो बिरयानी दे या माल दे या पैसा दे। आप लोग यदि हमारा साथ दोगे तो ये एक मिनट से पहले पलटी मारेंगे, नहीं तो फिर वही कि कभी कांग्रेस को हराओ कभी बीजेपी को हराओ, बात वही आएगी। यदि आप विचारधारा की बात करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बात करोगे, तो आपके लिए कोई साथ खड़ा होने वाला, मुझे बतला दीजिए मीडिया वाला कौन तैयार होगा? सबके लिए पैसा चाहिए आपको? अरे मेरे भाई किसके लिए पैसा नहीं चाहिए? किसके लिए पार्टी चलाने? पैसा तो अपना पब्लिक देगी, समाज देता है हमें, तो और समाज देगी दे रहा है, समाज तो आपके पेट में समाज कौन दे रहा है? आप समाज, यदि समाज के ऊपर काम करोगे तो आपका दर्द तो अपना पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक चौथा स्तंभ ही है मीडिया, जो जनता की बात करता है, वरना सरकार तो उन्हें
पूरा लटका करके आज खा गई, पूरे देश को बेच दिया है। आज किसकी बात करोगे? कभी तो किसी सिख की बात कर लोगे, कभी मुस्लिम की टोपी की बात कर लोगे, कभी हिजाब की बात कर लोगे, शिक्षा की तुम बात ही नहीं करोगे। जो समान शिक्षा ला करके खड़ी कर दो, जो संवैधानिक अधिकार है वो दे दो। कहाँ को किसके बस की है? ये हम लोग बहुजन इकट्ठे होंगे और ये लेकर के रहेंगे, और ये बहुजनों का हक अधिकार दिलाने का एकमात्र संगठन नहीं, एक पार्टी है, और जो आने वाले वक्त में बहुजनों की बात करता है वही बहुजनों की राज दिलाएगा। और इसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ कोई बात नहीं है, जितना मुस्लिम है इतना सिख है, इतना बौद्ध है। ये आज जिस जिसको बांट रहे हैं, क्या सिखों के लिए अलग से राष्ट्र बनाओगे, मुस्लिमों के लिए अलग से बनाओगे, जैनियों के लिए अलग से बनाओगे? बतलाओ किस किस के लिए बनाओगे? हमें तो लोग ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए अपना, तो फिर मुस्लिमों को क्यों नहीं चाहिए? बातचीत को ही खत्म करते हैं। सवाल वहीं आकर के टिक जाता है कि जिनसे लड़ाई है उनकी एक पार्टी है और 1,00,000 सामाजिक संगठन है, लेकिन 1,00,000 सामाजिक संगठन बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी सत्ता में है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के 28,00,000 संगठन हैं, एक टूटी मोटी बसपा पार्टी है और उन्होंने अपनी अपनी राजनीतिक दल बना रखे, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे बहुजन की पार्टी हो। काश इन लोगों को भी समझ हो, एक नेता एक झंडा, एक झंडा भाई वही काम एक बहुजन मुक्ति पार्टी कर रही है और कोई नहीं कर रही है। सब टूटे टूटे हुए को टूटे हुए को एक जगह लाने का काम कर रही है। दादरी साहब हैं, बड़ा खुल के बोलते हैं, और अभी भी देखो मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपनी बात भैया एक सेकंड हमें भी देंगे।